कन्नौज में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद एडीएम एएसपी की अगुवाई में आरटीओ दफ्तर के बाहर अचानक हुई छापेमारी से दलालों में हड़कंप मच गया। इस दौरान पुलिस ने 14 दलालों को गिरफ्तार किया। कन्नौज में आज कारगिल विजय दिवस पर कारगिल युद्ध में घायल सैनिक राम नरेश यादव के परिजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन दिनों को याद किया। बता दें कन्नौज के राम नरेश यादव कारगिल युद्ध में 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर घायल हुए थे। उस दौरान उनके साथ 8 और अन्य जवान घायल हुए थे जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 7 दिन बाद होश में आए राम नरेश ने दोबारा फौज में पहुंचकर देश की सेवा की, जिसके बाद 2005 में बीमारी के चलते उनकी मौत हो गई। कन्नौज में भूमाफियाओं से प्रताड़ित परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रताड़ित परिवारों ने चौकी पुलिस पर भूमाफियाओं से साठगांठ का भी आरोप लगाया और भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने तक धरना जारी रखने की भी चेतावनी दी। यूपी के फतेहपुर जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर सागर कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधक अशोक मौर्य ने जिलाधिकारी की चौखट में पहुंचकर किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष और अभिभावक प्रीति सिंह द्वारा जिलाधिकारी को फीस के बारे में एक शिकायत पत्र दिया गया, जिसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया। जनपद में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़िए अपनी डीसीएम किनारे लगाकर विश्राम करने लगे। इसी बीच एक अभियुक्त ने कांवड़ियों की डीसीएम को चोरी कर भागने लगा कि रास्ते में चोरी कर ले जा रहे डीसीएम की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें चालक घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया और कार्रवाई में जुटी। आजमगढ़ विकास खंड अकबरपुर के ग्राम पंचायत बसोड़ी में 4 दिन पहले लगे खड़ंजे को मुस्लिम और दबंगों ने ट्रैक्टर से उखाड़ दिया। विरोध करने पर दबंगों ने पीड़ित के साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झांसी के मोट नगर पंचायत के कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देते हुए कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें लंबे समय से सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने एसडीएम से समस्या के समाधान की मांग की है, ताकि उसकी पेंशन की प्रक्रिया शीघ्रता से लागू की जा सके और उन्हें समय पर लाभ मिल सके। कानपुर प्रेस क्लब में रामलला आरोग्य धाम हॉस्पिटल रावतपुर गांव द्वारा आयोजित होने वाले निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पर विस्तृत चर्चा के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान हॉस्पिटल संचालन समिति के सचिव नीतू सिंह ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। बताया कि रावतपुर गाँव में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं न्यूनतम दरों पर रोगियों को उपलब्ध होंगी। फिरोजाबाद में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र शिकोबाद में डेंगू चिकनगुनिया की जांच के लिए एलाइज लैब की स्थापना की गई है, जिसका शुभारंभ उप जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने किया। झांसी में एक महिला ने पति से तलाक होने के बाद 4 साल बाद अब संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए वापस आ खड़ी हुई है। महिला का कहना है कि या तो पति उसे अपने साथ रख ले या फिर अपनी संपत्ति में आधा हिस्सा उसके नाम कर दे। ऐसे में उसके साथ उसके मैं के पक्ष के लोग भी साथ दे रहे हैं। महिला पिछले 4 दिनों से व्यक्ति के घर से बाहर जबरन बैठी हुई है, जिससे परेशान होकर पीड़ित पति ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाते हुए महिला से छुटकारा पाने की मांग की है। प्रयागराज जिले के थाना नवाबगंज में पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 अभियुक्त कृष्ण कुमार, अंकित गौतम, बचपासी शनि कुमार, उमेश चंद्र को थाना नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत कौड़ीहार बाजार के पास से गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 3 बोलेरो, 2 स्कॉर्पियो, 1 ओप्पो, 1 मोटरसाइकिल के साथ कई अन्य सामान बरामद किए। श्रावस्ती में डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने आपदा राहत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले 3 कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करने के साथ ही 3 दिनों के अंदर डीएम ने जवाब तलब करने के भी निर्देश दिए। कासगंज के गंज डुडवा बारा नगर रेलवे रोड पर स्थित सचिन एजेंसी गोदाम में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड कर्मियों को दी। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम में रखा 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। मेरठ में कांवड़ खंडित होने पर कांवड़ियों ने कार सवार बुजुर्ग को जमकर पीटा। इतना ही नहीं, पीटने के बाद उसकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी। कांवड़ियों ने बुजुर्ग को इतना पीटा कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। मुस्लिम बुजुर्ग कांवड़ियों के आगे हाथ जोड़ता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन कांवड़ियों उसे पीटते रहे। सूचना मिलने पर काफी देर बाद मजिस्ट्रेट और फोर्स मौके पर पहुंचे, तब जाकर फोर्स ने बुजुर्ग को कांवड़ियों के चुंगल से छुड़ाया। बिजनौर के डीएफओ दफ्तर का भाक्यू टिकैत ने घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने गुलदार से कब मिलेगी निजात का जवाब मांगा।